ये मैं बनाने लगी हूँ जी, सूजी का हलवा। लोग इसको मखंडी हलवा, पता नहीं केड़ा केड़ा हलवा भी कहते हैं, लेकिन असी इन सूजी का हलवा ही कहने हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं। घर में 10 किस्म के मीठे का ऑप्शन दो ना अपने मियाँ को, तो कहते हैं सूजी का हलवा बनाओ। उन्होंने दरअसल ना हिफज किया हुआ, वो कहते हैं बेगम जिन्ना मदरसे च सूजी का हलवा ते पतली दाल आंदी है ना, जेड़ा उनका जायका आंदा है ना, वो नहीं भुलदा बंदे नूं सारी जिंदगी। तो इसलिए ना उनको ये सूजी का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जी मैंने लिए हैं इसके अंदर डालने के लिए ड्राई फ्रूट। अब पिस्ता में थोड़ा जहा लिया है, दरअसल साढ़े बजट च इन्ना क पिस्ता ही आंदा है, थोड़े बजट च ज्यादा आंदा होगा तो ज्यादा भी ले लियो। और जो एग्जैक्ट मेयरमेंट है ना सूजी के हलवे की, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एक मग आपने लेनी है सूजी, एक मग लेना है अपने चीनी का, और एक मग आपने मेल्टेड देसी घी लेना है। सूजी का हलवा कोशिश करें देसी घी में बनाएं। आपको पता है देसी घी के बारे में ये कहा जाता है, और एक मग ही चीनी, मतलब तीनों चीजें एक एक मग इक्वल पोर्शन में लेनी है। इससे इसका मीठा, इसके अंदर ऑयल, हर चीज बड़ी बैलेंस होती है। जैसे ही आपने अच्छे से इसको भून के वाइट कर लेना है, तो 3 मग पानी दे पाने तुसी। अम्मी मेरे कहंदे ने कि जड़ियां पुरानियां सूजियां आंदियां सी ना, जिंदे विच आटा ते मतलब मैदा शेदा सारा कुछ हुंदा सी, उनके अंदर 4 मग पानी दे लगदे सी, मतलब कि 4 गुना पानी लगता सी। पर जड़ी हुन सूजी आंदी है ना पुत, इंदे विच आटा उटा हर शाय कड्डी हुंदी उन्होंने मैदा शेदा, ऐसी इंदे च 3 मग पानी लगेगा, यानी कि 3 गुना पानी लगेगा। अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इसकी क्यूरी भी बताइएगा। इसको ब्राउन करने के बाद आपने पानी ऐड करना है, ये देखें बहुत एग्जैक्ट क्वांटिटी है, एक एक मग तीनों चीजों का और 3 मग पानी के। बड़ा ही बेस्ट हलवा बनना है, और देसी घी में इसलिए बनाना है कि देसी घी के बारे में कहा जाता है कि इस ये वाहद फैट है जो आपके बॉडी टेम्परेचर पर डिजोल्व रहता है। और आप यकीन करें कि पंजाबी में ऐसी ही एक कहावत मशहूर नहीं हुई है कि जड़ा करे ना माना प्यो ते वो करे देसी घी, इसलिए हुआ है। पुराने लोग देख लें, कोई हार्ट डिजीज नहीं था उनको, कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं था। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ना, आप लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट किए हैं कि पूरी वीडियो क्यों नहीं डालती आप, इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है ताकि इसकी जो लेंथ है वो इतनी हो कि वो टिकटॉक पे अपलोड हो सके। और अक्सर लोग कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पे कि घी जो है वो बहुत येलो था, क्योंकि पहले भी अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, ये गाय का खालस घी है और गाय का जो देसी घी होता है ना वो लाइट येलो कलर का होता है, उसका कलर यही होता है जो भैंस के दूध से